व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो गाइज, अभी जो है वो मैं मरी के ट्रिप के लिए जो है पैकिंग कर रहा था। अभी जो टाइम हुआ है तकरीबन 9 बजने वाले हैं, दूसरे दिन है ईद का। तो पैकिंग जो है स्टार्ट कर रहा था मैं, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ मरी के ट्रिप के लिए। तो सारी जो पैकिंग है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, साथ साथ आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हम लेके जाते हैं मरी के ट्रिप के लिए। और जो सफ़र है वो हम आज रात को ही कर लेंगे। आज रात को तकरीबन 2 या 3 बजे निकलेंगे रात को, तो ताकि हमारे पास अगला दिन पूरा हो घूमने के लिए। जहाँ जहाँ हमने जाना है तो वहाँ पे हम जा सकें और प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्जॉयमेंट हो सके। सो ये जो है बैग मैं अपने लेके आया था जिम के लिए। तो ये बैग जो है बेस्ट है, इसमें जो भी सामान वगैरह होगा, जो मेरी असेसरीज होंगी, जो वीडियोज़ की जो असेसरीज होंगी वो तो मैं अपने दूसरे बैग में रखूँगा, लेकिन जो कपड़े वगैरह जो साथ लेके जाने हैं वो मैं इसके अंदर ही रखूँगा। अभी जो इसके अंदर को दूसरी चीज़ें पड़ी हैं वो मैं निकाल लूँगा, और बाकी जो है कपड़े वगैरह मैं इसमें डालना स्टार्ट कर देते हैं। सामान जो है वो सारा मैंने अभी पैक कर लिया। ये जो है ये शॉर्ट्स वगैरह सारी, जो यानी कि पैंट वगैरह शॉर्ट्स वगैरह सारी एक जगह रखी हैं, और जो शर्ट्स वगैरह हैं वो सारी जो है वो मैंने एक जगह रखी हैं। तो ये सामान जो है शर्ट्स और पैंट्स का ये मैंने इसके अंदर बीच में रख लिया। बाकी के जो एक्सेसरीज होंगे, जो कैमरा वगैरह मेरा और साथ के जो भी ट्रैपर वगैरह, वो सारा मैं अपने दूसरे बैग में रखूँगा। और ये शूज़ हैं, ये एक स्नीकर्स है और दूसरा यानी कि जोकर है, ये काम आएंगे, इसलिए जो है ये दोनों शूज़ मैं लेके जा रहा हूँ साथ। तो गाइस अभी 3:52 हो गए, अभी मैं अपनी नींद पूरी करके उठाऊँ। तो अभी जो है वो हम मरी ट्रिप के लिए निकलने लगे हैं। पापा की नमाज पढ़े हैं, वो आते हैं तो बस हम निकलते हैं, 5 मिनट के अंदर हम निकल जाएंगे। बाकी जो है अभी रात का टाइम हुआ है, तो अभी जो दिन निकलेगा साथ साथ जो है वो आपको रास्ते में भी सारी जो व्यूज़ वगैरह हम दिखाते रहेंगे। तो गाइस अभी जो है वो हम मरी पहुंच गए हैं।
तो अभी जो है वो जिन अंकल का यानी कि वहाँ पे घर में रहते हैं उनका वेट हो रहा है, तो वो आते हैं। तो आगे जो रास्ता है घर का जहाँ पे हमने आगे जाना है गेस्ट हाउस जो है उसका जो रास्ता है वो थोड़ा भूल गए हम, तो वो आते हैं तो वो हमें आगे लेके जाएंगे घर की तरफ। खाओ मत, कैसा भी हुआ बाहर का जबरदस्त ही आ रहा है। सो गाइस अभी जो है वो मैं अपने घर की बालकनी पे खड़ा हूँ। ये बालकनी बहुत ही ज़बर अच्छी हवा चल रही है, ठंडी मौसम जो है वो अगर आप धूप में जाओ तो थोड़ी सी धूप लगती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन जब आप छाँव में आ जाते हो तो ठंडी हवा चलती है और मौसम काफ़ी अच्छा है इस टाइम मरी का। तो ये जो है ये जो व्यू है ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो व्यू आ रहा है इसका। ये तमाम जो हैं घर बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर ही। सामान वगैरह जो फ्रोज़न है जो हम घर से लेके आए हैं जो वो जो है वो गाड़ी से निकाल के फ्रीज़र जो है उसमें रख देना, तो मैं वो लेना। आगे पड़ा हुआ पीछे वो उसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 11:10 हो रहे हैं। तो अभी जो है हम 10:30 पे पहुंच गए थे मरी, तो अभी जो है वो सामान वगैरह शिफ्ट करते करते आधा घंटा लग गया। नाश्ता घर से नहीं किया हुआ था, घर से आपको जैसे पता है कि हम जल्दी निकले थे, फजर के वक्त निकल पड़े थे और अभी हम अपने यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। तो अभी जो है वो सिस्टर नाश्ता बना रही हैं, तो नाश्ता वगैरह जब तैयार हो जाएगा तो नाश्ता करेंगे। ये जो है नाश्ता वगैरह ये तैयार हो गया हमारा। ये जो है हमने रस्से से ले ली थी चीज़ें, ये जो है वो ड्रोन के पराठे हैं, ये नगर्स वगैरह और ये कीमा जो है रस्से से ही हमने सामान सारा ले लिया था मरी बाज़ार से। तो अभी जो है नाश्ता हम कर लेंगे। ये आम कटे हैं सर, आम का तो मज़ा आपको पता है दोबारा हो जाता है जब आप नाश्ते में खाते हैं। मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया, तो ये मैं छत पे आया था देखने वगैरह। काफ़ी अच्छा जो है वो व्यू आपको मेरे सामने पीछे दिख रहा होगा, ज़बरदस्त व्यू है। ये सारे जो हैं पीछे पहाड़ वगैरह हैं और पहाड़ों के ऊपर सबके घर हैं, तो जो भी यानी कि सड़कें वगैरह बनी हुई हैं हर यानी कि रोड के साइडों पर ना छोटे छोटे घर बने हुए हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी जो है पुरसकून ज़िंदगी जो है वो इधर गुजारी जा सकती है। बिल्कुल जो है कोई शोर नहीं है। अगर आप एक ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है, तो जब आप इस मुकाम हाथ में आते हैं तो आपको एक अलग ही नज़ारा मिलता है और एक अलग ब्रेथ टेकिंग जो है वो मोमेंट आपके लिए होता है। अभी की वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दें। सो गाइस मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। You think when you push me out of my